आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से कंप्यूटर में कैसे डालेंगे और कंप्यूटर में डालने के बाद उसको आप प्रिंट कैसे करेंगे, इसी पे ये वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले देखिए करना क्या है। आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर या फिर आप जो फायरफॉक्स या फिर ओपेरा कोई भी अपना जो है एक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। मान लें कि हम ओपेरा कर लिए। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है व्हाट्सअप वेव, व्हाट्सअप वेव टाइप करके और इंटर मार दीजिएगा। जैसे ही इंटर मारेंगे तो व्हाट्सअप वेव यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको जो है क्यूआर कोड जनरेट होगा और वही क्यूआर कोड आपको क्या करेगा कि प्रिंट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले करना क्या है ना कि अपने मोबाइल से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डाटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर में आपको इस चीज को अपनाना होगा। तो देखिए थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ गया। अब क्यूआर जब कोड आ जाए तब क्या करना है, तब बात उसको समझिएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में जाना होगा और अपने मोबाइल में जाने के बाद क्या करना होगा कि अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। तो हम अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ तीन डॉटेड दिख रहा होगा, तीन डॉटेड पे क्लिक करना है। इस तीन डॉटेड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिंक डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। तो लिंक डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड जो भी होगा वो मांगेगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करने वाला आ जाएगा और आपको क्या करना है, स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो ये जो व्हाट्सएप था वो वहां पे आपको खुल जाएगा। अब यहां से क्या करना है कि आपका जहां पे भी पीडीएफ है, जैसे हमारा ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ को क्या करना होगा, सबसे पहले किसी भी नंबर पे सेंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ को सेंड करेंगे आपको और यहां से शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शेयर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हम व्हाट्सएप को सेलेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी जिस पे भी भेजना चाहते हैं उस किसी एक नंबर पे सेंड कर देंगे ताकि हमारा पीडीएफ जो है वहां पहुंच जाए। अब ये पीडीएफ हमारा जो है इस नाम से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमारा ये पीडीएफ आ चुका है। अब इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि आपको जाना है माई कंप्यूटर या फिर माई पीसी पे। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेरा जो पीडीएफ है वो आ चुका है गाइज। अब यहाँ से पूरा का पूरा जो है सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए ओपन करने के बाद ये हमारा खुल के सामने प्रिंट होके सामने देखने के लिए मिल जाता है। अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे ये चीज आपको दिखाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे ये सबसे मायने रखता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा ओपेरा में अगर खोल रहे हैं तो। अगर नहीं दिख रहा है तो आप तीन डॉटेड पे क्लिक करेंगे तो वहां भी आपको दिख जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट करते हैं प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक। अब जैसे ही प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए डिस्टिनेशन पे जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट है तो यहाँ पे आपको अपना जो है प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ प्रिंटर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑल पेज करना है तो ऑल पेज कर सकते हैं, कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम कर सकते हैं, यानी कि अगर एक से ज़्यादा पेज है तो नंबर ऑफ पेज लिख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच ये पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कितना पेज कॉपी करना है, एक पेज करना है, दो पेज करना है, तीन पेज करना है, चार पेज करना है, जितना करना है यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे है कलर, आपको जो दो ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपका कलर प्रिंटर रहेगा तो दो ऑप्शन मिलेगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो सिंगल ऑप्शन मिलेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट वर्क, तो हम कलर ही करेंगे। यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे नीचे में A4 साइज का पेपर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेज सीट है, यहाँ पे पेज सीट मतलब कितने पेज पे सीट, ये इसको ध्यान दीजिए। अगर आप एक पेज पे दो प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से, बगल में अगर एक और रहेगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। एक में चार करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, एक में छः करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, अगर एक में नौ करेंगे तो इस तरह से। आप मतलब एक ही पेज पे 16 पेज भी कर सकते हैं, तो छोटा छोटा माइक्रो वगैरह करना है तो उसके लिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रिंट होता है। अब यहाँ हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से जो है थोड़ा सा जो है हलचल होगा
और उसके साथ पेज भी जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे में होगा, और आवाज़ भी आपको सुनने के लिए मिलेगा, और आसानी से फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं प्रिंट कैसा होता है। फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है, सेकेंड थर्ड में टाइम कम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें जब तक आप प्रिंट ना हो जाए तब तक। और इस तरह से देखिए हमारा प्रिंट होना शुरू हो गया, पेज अंदर चला गया और यहाँ से पेज अब हमारा बाहर आएगा और आप देखेंगे कि प्रिंट हो चुका है। और आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सेम टू सेम जो है उस तरह का पेज प्रिंट होकर आ गया है। तो ये हमारा पेज है जो कि प्रिंट हो चुका है और जो कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। तो सेम टू सेम प्रिंट होता है, तो इस तरह से व्हाट्सएप से आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।